अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मैं जिस वीडियो को आपके पास लेकर हाज़र हुआ हूँ वो है एक घर की, एक चार मरला घर की मुकम्मल एस्टीमेशन डिटेल किस तरह की जाती है, जिसको करने के बाद आप मालूम कर सकते हैं कि आपके घर में पर स्क्वायर फुट खर्च कितना आया है। जिस तरह हमारे जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो रेट तय करते हैं कि हम 1500, 2000, 2500 ग्रे स्ट्रक्चर का लेंगे, और फिनिशिंग अगर करें तो उस फिर हम जो लेंगे वो 4000, 5000, जिस तरह भी पर स्क्वायर फुट वो तय करते हैं। तो उनको किस तरह मालूम होता है कि ये पर स्क्वायर फुट इतना खर्च आ रहा है हमारा और इतनी हमें बचत होगी। तो ये बुनियादी बातें आप जानें तो फिर आपको मालूम होगा कि किस तरह जो पर स्क्वायर फुट कैलकुलेशंस की जाती है। पर स्क्वायर फुट होता क्या है कि जितना हमारा घर तमीर होता है उसके ऊपर जो छत का एरिया होता है जिसको वो कवर करती है उसको पर स्क्वायर फुट एरिया कहते हैं। कि उस छत के अंदर जितना काम हुआ है, फिनिशिंग का है या सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर किया है उसका है, तो इसका रेट जो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए देखिए किस तरह है। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको बेसिक सीखने में आसानी होगी, इसके लिए पूरी देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन लगे इनमें, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी आज मैं जिस प्लान को आपके पास लेकर आया हूँ ताकि मैं उसकी कैलकुलेशन आपको बताऊं कि किस तरह की जाती है, घर का पर स्क्वायर फुट कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, उसकी टोटल पेमाइश किस तरह निकाली जाती है। तो ये प्लान है, ये चार मरले का प्लान है। तो हर आदमी का जो अपना घर का सिस्टम होता है कि उसने किस तरह अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके रिलेटेड जो है वो अपना डिज़ाइन करता है। बाज़ लोगों को वो पसंद आता है, बाज़ को नहीं आता। तो ये जो मेरे पास मौजूद है ये घर तमीर हो रहा है। तो ये फिर आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले इसकी किस तरह कैलकुलेशंस की जाती हैं। ये इसका लेआउट प्लान है, ये गैराज है, ये ड्राइंग रूम, ये टीवी हॉल, ये किचन है, ये दो बेडरूम्स हैं, ये पीछे वॉशरूम है, ये ओपन एरिया और ये स्टोर रूम है। ये इसका 3D मॉडल बनाया है ताकि समय लग सके कि सीढ़ियाँ किस तरह ऊपर चढ़ेंगी, ओपनिंग किस तरह है और ये ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कैलकुलेशन बताता हूँ, ये इसका कैलकुलेशन प्लान है, इसमें सारी डिमेंशंस दी हुई हैं। उसके बाद ये इसका DPC में जो हमारी जो स्टील बार्स यूज़ हुई हैं वो प्लान है। उसके बाद ये फाउंडेशंस है मुख्तलिफ, ये 9 इंच की पहले, फिर ये 18 इंच की, उसके बाद ये 22 इंच की, 22.5 इंच की। तो अब इसकी कैलकुलेशंस किस तरह की जाती है, मैं इसकी जो इस घर की पूरी एक जो इसकी किन बातों का घर की तमीर के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो भी अलहदा से पोस्ट करूंगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हमारे पाँच मरला चार मरला घर में आने वाले खर्च के मुतालिक है। ये इसकी मेन समरी है, उसके हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया वो 1,37,000 यानी कि 1.3 मिलियन अमाउंट बनी है। 225 स्क्वायर फुट के हिसाब से 900 स्क्वायर फुट इसका एरिया बनता है। तो रेट इसका मालूम हुआ है 1486 रुपये पर स्क्वायर फुट। अब ये हमें किस तरह मालूम हुआ है उसके बैकअप कैलकुलेशंस ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारी आइटम है एक्सकवेशन। ये एक्सकवेशन इसकी बैकअप कैलकुलेशंस भी की जा सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो हमारे मज़दूर होते हैं वो ठेका लेते हैं इसका, कि वो चार मरला घर का पांच मरला घर की जो एक्सकवेशन करेंगे तो उसके इतने पैसे लेंगे। तो उस हिसाब से सिर्फ मज़दूरी शामिल की है तो अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपया जो है ना इसकी मज़दूरी शामिल की है। अगर एक मज़दूर 1,000 रुपया भी ले या दो मज़दूर एक दिन के 2,000 लें तो वो जिस हिसाब से कर लें, 5 दिन में कर लें, 3 दिन में कर लें, तो मतलब एक ठेके को मुकम्मल किया इसको। उसके बाद आ गया हमारा बैक फिलिंग।
ये बैक फिलिंग क्या है कि हमने जो अपना हाउस प्लान था उसको रीफिल किया है, जो एक्सकवेशन की थी हमने, एक्सकवेशन करने के बाद उसको हमने रीफिल किया। तो रीफिल करने का रीफिल किस हिसाब से किया है कि ये हमारा घर है, वन मिनट ये मैं आपको बताता हूँ जी, ये है हमारा गराज। इसमें हमने किया है 11 फुट 9 इंच की चौड़ाई, 9 फुट 3 इंच की लंबाई, ये सारी कैलकुलेशन हमने फुटों में की है। इंच को हमने इंच डिवाइड बाय 12 करके 3 तकसीम में 12 करके 2 फुट बना लिया। तो गहराई इसकी फिलिंग की है 6 फुट तकरीबन। इसी तरह गैराज का मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना मुमकिन हो सका कम से कम टाइम लगाऊंगा, लेकिन साथ बने रहिएगा ताकि आपको सही समय लग सके। ड्राइंग रूम, टीवी हॉल, किचन, ये सारा इसी हिसाब से जो है ना इसके साइजेस किए हैं। बेडरूम दो हैं चूँकि उसको एक ही सेम साइज़ किए हैं तो मल्टीप्लाई दो कर लिए। तो ये इसका जो है ना फाउंडेशन के अंदर जो फिलिंग हुई है वो उसकी आ गई है 4381 CFT। ये भी तकरीबन इसका जो ठेका होता है फिलिंग का, तो वो उस ठेके के हिसाब से पर स्क्वायर फुट रेट CFT रेट जो 7 रुपये निकला था, तो इस तरह मैंने कर लिया। या बाज़ दफ़ा ठेकेदार ठेका ही लेता है कि मैं 30,000-40,000 में आपकी जो फिलिंग कर दूंगा, तो उस हिसाब से बेशक आप कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं या इस तरह मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिक बैलेस्ट आ गया। ब्रिक बैलेस्ट हमारा क्या होता है, वन मिनट, एक तो पेपर सब बहुत ज़्यादा होंगे जी। सबसे पहले ये आप देखें, ये घर की फाउंडेशन प्लान है, ठीक है। मतलब रोड लेवल से हमने अपना नीचे गए हैं 2 फुट 6 इंच। अब इसके नीचे ये जो RCC स्ट्रक्चर और नीचे ये जो ब्रिक बैलेस्ट है, ये अपनी ज़मीन के हिसाब से होता है। अगर तो हमारी ज़मीन मज़बूत है तो हमें इसकी RCC स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वह कमज़ोर है तो फिर इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। तो मैंने जिस घर का एस्टिमेट किया उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसके लिए फिर मैंने ये ऐड तो कर दिया, लेकिन मैंने इसकी कैलकुलेशन शामिल नहीं की क्योंकि हमने इस घर में वो इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद इसको इस्तेमाल किया है हमने अपने फ़र्श के नीचे। ये जो हमारा फ़र्श है 9 इंच प्लान के अंदर जो है, ये इसको इस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं, तो इस एरिया के अंदर हमने अपना 3 इंच का ब्रिक बैलेंस किया है। वही डिमेंशंस जो हमारी फिलिंग की थी सेम वही इधर रखी हैं, बस 3 इंच को हमने फुटों में तकसीम करके तो अपनी थिकनेस रख ली है, ठीक हो गया। उसके बाद ये तमाम कैलकुलेशंस वही होगी, 182 CFT हमारा ब्रिक बैलेस्ट आ गया। इसका भी 15 रुपये अप्रोक्सीमेट रेट लिया है रोड़ी का, जिसको कहते हैं ब्रिक बैलेस्ट। तो ये तकरीबन 2700-3000 तक हमारी ब्रिक बैलेस्ट पड़ेगी ओवरऑल, क्योंकि इसके अलावा हमने कहीं इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद आ गया ब्रिक मैसनरी, ये हमने 34,802 ईंटें निकाली हैं। ये किस तरह निकली हैं अब ये मैं आपको प्रॉपर इसकी डिटेल बताता हूँ। ये हमने अपने ड्राइंग पकड़ ली, ये हम सबसे नीचे वाले स्टेप से आ जाते हैं, यानी कि ये हमारी होगी 22.5 इंच वाइड फाउंडेशन, यानी कि ये वाली जो 1 फुट 10 इंच 12 प्लस 10 22 इंच और 0.5, यानी कि 22.5 इंच। अब ये आप देखिएगा कि इसको मैंने साइड पे किया हुआ है और इसको मैंने सेंटर में किया हुआ है। ये भी मैं आपको बताने तो बाद में थी, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, क्योंकि इस साइड वाले घर का हमने अपनी फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करवानी कि वो जब अपने घर की बुनियाद रखे इसके ऊपर
तो वो हमारा लोड स्ट्रक्चर जो जहाँ पे वो एक घर ने एक द्वार ने बर्दाश्त करना, तो वो दूसरी द्वार भी बर्दाश्त करती है उनकी। इसलिए जो आउटर बाउंड्री है ये वाली, ये हमारा ये सेम सेक्शन है, और जो इनसाइड है उसको हमने इस तरह सेंटर में किया। अब सबसे पहले हमने किया है कैलकुलेशंस को, 9 इंच आउटर बाउंड्री वॉल फर्स्ट स्टेप। ये हमारी आउटर बाउंड्री वॉल है 40 फुट की, इसकी विड्थ होगी 22.5 इंच को हमने तकसीम में भरा किया तो 1.875 आया। डेप्थ इसकी आ गई आधा फुट, यानी कि ये 6 इंच, दो रद्दे जिसको हम कहते हैं, दो रद्दे लगाएं तो उसकी 0.5 आ गई। उसके बाद ये दो वाल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो वाल्स आ गई। उसके बाद 9 इंच की परपेंडिकुलर वाल्स आ गई हमारी, ये 5 वाल्स, ठीक है। जब हमने अपनी खुदाई इतनी कर ली, हमारा जो पहला स्टेप था वो इतना बन गया, तो हमारा अंदर वाला स्टेप अब इतना बनेगा, यानी कि वो इतना शामिल नहीं होगा। पहला स्टेप इतना बनेगा, फिर दूसरा बनेगा वो इधर आएगा, तीसरा बनेगा वो इधर आएगा, और जो टॉप पे बनेगा वो बिल्कुल इसके साथ लगेगा। वही किया इधर, 5 वाल्स, लंबाई इसकी 18 फुट, 9 इंच आ रही है, 18.75 आ गई। ये भी हमारे दो रद्दे हैं, इस स्ट्रक्चर को आप सामने रखिएगा, 12 फुट और 6 इंच, यानी कि 18 इंच। और इसको अगर फुटों में करें, सॉरी, ये वाला सारा जो है हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, तो ये सारे का सारा हमारा 22.5 इंच है। उसके बाद तीसरी रूम की वाल उसी तरह जो आपको बताया कि वो स्टेप बने, तो ये वाली छोटी होगी, ये 3 फुट 3.5 इंच की, ये फुटों में बन गई, ये दो वाल्स हैं हमारी। उसके बाद 9 इंच परपेंडिकुलर वाल बेडरूम, ये बेडरूम वाली आ गई, ये 10 फुट 10.5 इंच, इसको भी फुट में तकसीम कर लिया, ये भी 6 इंच का स्टेप है। उसके बाद ये किचन्स की वाल आ गई 8 फुट 10 इंच की, इसको भी फुटों में तकसीम कर लिया। उसके बाद ये गराज की आ गई, उसका हमने CFT बना लिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई और जितने नंबर्स वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हम आ गए अपने सेकंड स्टेप पे, ये वाले सेकंड स्टेप पे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप आ गया। इसके साथ ये मैंने लिखा भी हुआ है वॉल विड्थ कितनी है हमारी, 18 इंच वॉल विड्थ है। वही इसकी हमारी, अब हम ये वाला हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया 22.5 इंच वाला। अब हम आ गए इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे, ये 18 इंच वाले स्ट्रक्चर पे। ये आप गौर कीजिएगा, पहले जो स्टेप हमारा 10 फुट 10 इंच का रह गया था, अब वो बढ़ के दोनों तरफ तो बढ़ा, तो वो 11 फुट 3 इंच हो गया। ये अगर इसकी आपको समय ना लगे तो आप बेशक पूछ सकते हैं कि जब हमारा स्टेप अंदर जा रहा है तो फिर ये वाला हमारा बढ़ रहा है, जब ये खुदाई ज़्यादा होगी तो ये वाला स्टेप कम होगा। इसलिए सबसे नीचे वाला स्टेप जितना बाहर निकल रहा था, हमारा दूसरा स्टेप जो यहाँ तक आता था, फिर अगला स्टेप जब हमने लगाया तो वो हमारा पीछे रह गया, वो वाला स्टेप बढ़ गया, फिर ऊपर वाला और बढ़ गया, फिर इधर वाला और बढ़ गया, ये हिसाब है इसका। तो इसके लिए भी सेम वही, लंबाई 40 फुट, ये सारी डिमेंशंस लिखी हुई हैं, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करता। लंबाई ज़रब चौड़ाई ये भी चूँकि 6 इंच है हमारा सेकंड स्टेप, तो वो भी हमारा 0.5 आ गया। उसके बाद थर्ड स्टेप आ गया 13.5 इंच वाला, सेम वही डिमेंशंस होगी। अब वही देखिए कि 11 फुट 3 इंच जो हमारा स्टेप अंदर वाला था, अब जब हम और ऊपर आए तो हमारा अब हो गया 11 फुट 7.5 इंच, नीचे वाला था 11 फुट 3 इंच, उससे नीचे वाला था 10 फुट 10 इंच,
यानी कि ये वाली जब द्वार हमने ज़्यादा चौड़ी की तो ये कम होगी, जब ये वाली द्वार का स्टेप अंदर हुआ ये बढ़ गया, जब ये वाला स्टेप और कम हुआ तो ये वाला और बढ़ गया। सेम यही डिमेंशन इसकी आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई 13.5 इंच को फुट में तकसीम कर लिया, और ये भी दो रदे लग गए 6 इंच के, यानी कि 3-3 इंच के दो, ये इसकी कैलकुलेशंस आ गई। उसके बाद अब आ गया हमारा 9 इंच वाला स्टेप, वही 9 इंच वाला स्टेप इससे ऊपर आ गया कि हमारा जो 11 फुट 7.5 इंच था, जब ये वाला स्टेप और ऊपर गया तो ये 12 फुट रह गया। यानी कि ये देखिए कि जब ये वाली द्वार हमारी आके मेन द्वार के साथ लगी तो ये वाली चौड़ी होगी और ये वाली 9 की 9 रहेगी। 40 फुट, ये 40 फुट, 9 इंच इसको फुट में तकसीम कर लिया। अब इसकी ऊंचाई होगी है 4 फुट, वो कैसे, 3 फुट प्लस 1 फुट, ये वाला स्टेप हमारा, ये वाला आ गया ऑफसेट स्टेप हमारा, ठीक हो गया। ये भी इसी तरह लंबाई इसकी, ये 21 फुट होगी, ये 12 फुट, ये 10 फुट और ये 9 फुट 3 इंच। सेम वही 5 फुट 12 फुट 10 फुट ऊंचाइयाँ सब की सेम है, ये आ गई। उसके बाद हमारा आ गया फिफ्थ स्टेप। ये फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमने इधर दो ऐसे खड़े रुख ईंटें लगाई, उसके अंदर हमने स्टील का एक सरिया डाल के तो ये कंक्रीटिंग की, ये वो वाला स्टेप है। तो इसके लिए क्या किया कि हमने यही लंबाई ली, इसमें एक रद्दा इधर लगा एक रद्दा इधर लगा, तो इसको 4 कह दिए, यानी कि हमारे दो इस तरफ दो इस तरफ मेन वाल में लगे 40 फुट, चौड़ाई इसकी 3 इंच खड़े रुख लगी है, तो इसकी जो थिकनेस हो गया वो 3 इंच है, तो इसकी थिकनेस 3 इंच होगी, ऊंचाई इसकी 4.5 फुट होगी। तो सेम यही स्टेप इसी तरह फिल किए हैं। यानी कि अगर आप ये एंड वाला ड्राइंग रूम वाला देखें तो ये हमारा 9 फुट 3 इंच है, 9 फुट 3 इंच को फुट में तकसीम कर दिया। ये हमारी अगर इस तरह लगाई तो ये 3 इंच है, इस तरह ये 4.5 इंच है, तो इसी तरह 3 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 4.5 इंच इसकी ऊंचाई होगी। ये हमारा हो गया सब स्ट्रक्चर की ब्रिक मैसनरी कंप्लीट। डीपीसी से नीचे नीचे लेवल को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, उससे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम अपने सुपर स्ट्रक्चर पे आ गए, ये सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है। अब ये डॉटेड जो है ये हमारी डीपीसी लेवल तक, यानी कि 9 इंच चौड़ाई में दीवारें हैं, तो ये ऊपर इस साइड पे चूँकि मकान बना हुआ है तो इसमें हमने अपना जो खर्चा बचाया उसके लिए हमने अपनी 9 इंच की दीवार को 4.5 इंच कर लिया, और इस साइड पे ओपनिंग है चूँकि इसलिए हमने अपनी दीवार को 9 इंच रखा है। सेम इसी तरह हमने किया कि 40 फुट हमारी मेन द्वार है, एक 9 इंच को फुटों में तकसीम कर लिया, और 12 फुट हमने अपनी जो हाइट रखी है ये वाली, अगर मैं आपको फ्रंट सेक्शन ये दिखाऊं घर का, ये फ्रंट फेस है, यानी कि इधर विंडो है इधर डोर है, ये विंडो ये डोर आ गया, तो ये इसकी ऊंचाई जो रखी है वो 12 फुट रखी है। उसके बाद ये हमारी दूसरी बाउंड्री वाल 40 फुट, ये हमने 4.5 इंच कर दिया दीवार को, इसकी ऊंचाई उतनी होगी। अब आ गई हॉरिजेंटल बैक साइड वाल 4.5 इंच वाली, तो ये ऐसे है कि टोटल हमारी जो चौड़ाई है वो 22 फुट 6 इंच है, उसमें से 9 इंच इधर से निकाल दिया, 4.5 इंच इधर से निकाल दिया, तो हमारी दीवार 21 फुट 21.375 फुट होगी,
ये 4.5 इंच ये फुट। उसके बाद हमने ये दो स्टेप बनाए हैं अपने ताकि हमारी बैक साइड को मजबूती मिले। तो दो ज़रब ये भी 4.5 इंच है चूके, तो ये 4.5 इंच और ये फुट हो गया। उसके बाद मेन वाल आ गई बैक साइड की, ये हमारी है 9 इंच वाली, ये वाली बैक वाल अलग कर ली 4.5 इंच वाली। अब 9 इंच वाली है 1, 2, 3 और ये 4, सेम साइज है, 21 फुट चौड़ाई है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 12.5 फुट इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आ गया परपेंडिकुलर वॉल्स इन वॉशरूम। ये हमने अपनी परपेंडिकुलर वॉल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फुट है, 5 फुट की दो वॉल्स 4.5 इंच और 12 फुट इसकी ऊंचाई होगी। उसके बाद बेडरूम की वॉल आ गई ये वाली, इसकी ऊंचाई है लंबाई है 12 फुट, 4.5 इंच है और ऊंचाई ये है। उसके बाद किचन और टीवी हॉल वाली आ गई, इसकी ऊंचाई है 10 फुट, उतनी चौड़ाई 4.5 इंच और 12 फुट हाइट। उसके बाद आ गई वॉल ऑन किचन रूफ 4 स्टेयर्स। ये आपको 3D में समझ लगेगी, ये वाली जो द्वार है किचन की स्लैब डालने के बाद जहाँ से सीढ़ी ने टर्न होकर ऊपर जाना है, ये वाला रूम स्टोर रूम बन जाएगा और ये वाली स्टेयर के टर्न के लिए बनेगी, क्योंकि हमारी जो ये वाला टर्न है ये इधर से होके फिर ऊपर आएगा। ये उसके लिए, ये इसका प्लान अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर छत से आप देखें तो ये हमारी किचन की दीवार है, तो ये टर्न होके ऐसे ऊपर आएगी, तो इस लेंटर के नीचे जो हमारी वो दीवार 4.5 इंच की बननी है। अब इसका सेक्शन ये वाला, अगर आप ये सेक्शन ये वाला, वो इस द्वार की मैं बात कर रहा हूँ कि लेंटर की छत डालने के बाद ये वाली द्वार एडिशनल हमें बनानी पड़ेगी, तो ये उसके लिए 4.5 इंच की और ये इसकी ऊंचाई होगी। उसके बाद आ गया अब 9 इंच परपेंडिकुलर वॉल ड्राइंग रूम्स एंड गैराज। जी ये वाली 9 फुट 3 इंच वाली द्वार आ गई हमारी, ये भी 4.5 इंच है और 12 फुट ऊंचाई। अब डिडक्शंस आ गई, अब इसमें डिडक्शंस कैसे कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेन द्वार में हमने एक दरवाज़े की, मेन दरवाज़े की और एक विंडो की करनी डिडक्शंस। वो ये इस तरह है कि डिडक्ट मेन डोर्स 9 इंच वाल, ये 6 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई होगी, इसको फुटों में कर लिया, 9 इंच इसकी चौड़ाई होगी लंबाई ये चौड़ाई, और ये 9.458 अगर इसको हम फुटों में तकसीम कर ले तो ये आ गए। उसके बाद विंडो आ गई 6 फुट बाय 5 फुट की, इसको अगर आप फुटों में तकसीम करें तो 6 फुट बाय 5 फुट। उसके बाद आ गया डिडक्ट बीम ऑन मेन डोर्स एंड विंडो, ये जो ऊपर बीम डला है इसको हमने डिडक्ट कर दिया फुट बना के। उसके बाद सेकंड वाल आ गई 4.5 इंच वाली वाल वन पे, यानी कि ये जो दरवाज़े की ओपनिंग होनी है ये डिडक्ट कर दिया इसमें से। हमारे ये दो दरवाजे होने हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इसके लिए हमने अपनी डिडक्शंस कर दी दो दरवाज़े 3.3 फुट 3 इंच के और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई और 7 फुट ऊंचाई। ये अब आपको मैं बताऊं तो ये किस तरह होता है कि ये हमारी चुगाट लगती है, ये इसी तरह ये दूसरी साइड पे, ये वाली जो सॉरी ये इस तरह होती है, इस तरह ये वाली होती है 1/2 इंच, ये वाली होती है 1.5 इंच, यानी कि टोटल
ये टोटल हो गई हमारी 2 इंच। बिल्कुल। अब जब हमारा दरवाज़ा हम अपना तय करते हैं कि हमारा 3 फुट का दरवाज़ा लगना है, 3.5 फुट का, तो वो ये वाली तय होती है कि ये 3 फुट का दरवाज़ा लगना है, 3.5 फुट का लगना है, तो आधा 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच चूँकि दीवार हमारी इधर डलती है तो हम अपनी ओपनिंग छोड़ते हैं 3 फुट 3 इंच। ये वो छोड़ी है हमने। उसके बाद आ गया डायरेक्ट बीम ऑन 3.5 इंच वाल वाली, वो हमने इसके ऊपर जो बीम डलेगा वो डायरेक्ट डिडक्ट कर दी है। दो डलने हैं, दो बीम डिलीट कर दिए, एक ड्राइंग रूम का एक किचन का। उसके बाद आ गया डिडक्ट 3 फुट 9 इंच का जो मेन डोर है, यानी कि ये वाला मेन डोर हमने डिडक्ट कर दिया। अगर इसका मैं फ्रंट फेस दिखाऊं आपको तो फ्रंट फेस ये वाला है इसका, ये किचन की विंडो, ये मेन एंट्रेंस और ये ड्राइंग रूम टू टीवी हॉल की ओपनिंग। ये हमने 3 फुट 9 इंच का दरवाज़ा डिडक्ट किया। उसके बाद डिडक्ट ड्राइंग रूम ओपनिंग, अगर इसको हम फुटों में करें 6 फुट 7.5 इंच, तकसीम आप खुद ही कर सकते हैं, तो मैं फुटों में आपको बता रहा हूँ, 9 इंच चौड़ाई 7 इंच ऊंचाई। उसके बाद डिडक्ट बीम ऑन ड्राइंग रूम, ये पूरा एक बीम डलेगा इस तरह, इसको भी हमने अपने डिडक्ट कर दिया। ये 13 फुट लंबाई चौड़ाई और ये 9 इंच का बीम डलना है, तो ये हो गया। उसके बाद डिडक्ट किचन विंडो, ये चूँकि विंडो हमारे पास बनी बनाई एक पड़ी थी, उसके लिए उस साइज़ के हिसाब से हमने ओपनिंग की है, तो ये हमने ओपनिंग छोड़ दी। उसके बाद डिडक्ट किचन स्टोर ओपनिंग, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने किचन स्टोर के ऊपर छत से नीचे और दरवाजे के ऊपर हमने एक ओपनिंग छोड़नी है स्टोर के लिए, तो ये वो वाली डिडक्ट की है, क्योंकि हमने हर चीज़ की डिडक्शन करनी है जो कुछ भी आ रहा है। उसके बाद हमने अपनी डिडक्ट की तीसरी वाल में से, 3 फुट 3 इंच के 2 दरवाजे डिडक्ट। ये देखें, इधर थोड़ी सी गलती हुई है कि ये 3.25 आएगा, 9 इंच और 7 फुट, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी ये करेक्शन आएगी। उसके बाद डिडक्ट बीम ऑन 3 फुट वाले दरवाजे में, इसके ऊपर हमने अपना बीम डाला, इसका फ्रंट फेस नहीं बनाया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, 2 दरवाजे हैं सिंपल, तो उसके ऊपर ये हमने बीम डाला अपना, और ये बीम है हमारा 6 इंच का। उसके बाद आ गया डिडक्ट वाल 4, ये वाली हमारी वाल 4 आ गई। अब इसमें हमने क्या किया कि ये हमारे 2 दरवाजे हैं 3 फुट 3 इंच वाले, जी ये इसका मैं आपको फेस दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझेंगे, मुझे भी थोड़ी गलती लगी है। ये देखिए, सबसे पहले हमने किया डिडक्ट 3 फुट 3 इंच वाले 2 दरवाजे, जबकि ये ऐसे नहीं होना था, ये हमारा दरवाज़ा है 2, जी 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 नहीं, ये हमारा एक ही दरवाज़ा था, इसमें ये करेक्शन है कि ये हमारा एक दरवाज़ा था बैक साइड वाला, सिर्फ ये वाला। उसके बाद ये 2 फुट 9 इंच वाला जो दूसरा दरवाज़ा था, ये गलती लगी, ये एक 2 फुट 5 इंच वाला है और ये 3 फुट 3 इंच वाला, ये भी एक दरवाज़ा है, ये भी एक दरवाज़ा है। इसमें करेक्शन करने के बाद हम डिडक्शन डाल देंगे अपनी। उसके बाद इसके ऊपर हम सिंगल बीम डालेंगे अपना, दोनों दरवाज़ों के ऊपर 7 फुट 3 इंच का, ये 7.25 करेक्शन हो जाएगी इसकी, 6 इंच हम अपना बीम डालेंगे। उसके बाद स्टोर रूम के ऊपर हम अपना 4 फुट का बीम डालेंगे, 4 फुट 3 इंच कह लें या 4 फुट कह लें, हम इसको 4.25 कहते हैं। उसके बाद ये इसकी नहीं, ये वाली थी माजरत, ये स्टोर रूम के ऊपर ऊपर जो हमने ओपनिंग दी है, अगर आप ये देखें तो ये कमरे वाली साइड पे हमने ओपनिंग दी है स्टोर रूम की, तो ये 4 फुट बाय
ये वाला ठीक था, और ये उसको 4 फुट 1 इंच को हमने तकसीम किया है, तो ये हमारा 1.4 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हुआ है। उसके बाद क्योंकि ये पेपर पहले निकाल दिया था, थोड़ी करेक्शंस की थी मैंने ड्राइंग्स में, तो वो शायद इधर नहीं हो सकी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद हमने जो बीम डाला था इसके ऊपर, ये उसकी डायरेक्शन डाल दी 4 फुट 3 इंच, और ये 6 इंच का इसका बीम आ गया। उसके बाद डिडक्ट वाशरूम स्टोर ओपनिंग ऑन 9 इंच वॉल, ये भी डबल हो गया कि ये एक स्टोर रूम की 2 हो गई, इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। ये हमारी जो ब्रिक मैसनरी में ना कि हम 13 CFT निकाल देंगे अपना, बाकी तो करेक्शंस करने में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होगा, यानी कि ये हमारी निकल जाएंगी 10 मतलब 120 ईंटें हमारी निकल जाएंगी, 150 के करीब ईंटें निकल जाएंगी, लेकिन ओवरऑल इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ गया हमारा जो हमने स्टोर रूम वाशरूम में अपना दरवाज़ा दिया, ये 2.5 फुट का दरवाज़ा, 7 फुट और 4.5 इंच की द्वार। उसके बाद वाशरूम के अंदर जो हमने विंडो रखी है एक, अगर इसका मैं आपको फ्रंट फेस दिखाऊं, ये वाशरूम का फ्रंट फेस है, ये भी विंडो हमारे पास बनी बनाई थी, तो ये वाली मैंने इसलिए वही साइज़ रख दी है। और एक और स्टोर रूम ओपनिंग नहीं, ये वाशरूम की विंडो की ओपनिंग है, तो स्टोर रूम की ओपनिंग जी ये वाली, इसका फेस नहीं बनाया था, ये ठीक है, ठीक हो गया। कटिंग वगैरह अगर आपको कुछ महसूस हो रही है तो इसके लिए माजरत, मैं एक दफ़ा आपको फिर से बता देता हूँ कि ये सुपर स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि हम सबसे पहले जो अपनी ओवरऑल सेंटर लाइन के मुताबिक कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी ओपनिंग्स दरवाज़ों की निकालेंगे, उसके बाद हम ओपनिंग्स जो ऊपर बीम डालने हैं वो निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल क्यूबिक मीटर में आ गया एरिया वॉल्यूम आ गया। उसके बाद आ गया मिसलिनियस स्ट्रक्चर। मिसलिनियस स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले मैंने अपने ये जो नीचे स्टेप बनाया, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, ये सबसे पहले नीचे, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, ये इस तरह इसको एरिया के हिसाब से कर लिया कैलकुलेट, ताकि आसानी हो। 8 इंच इसकी हाइट रखी है। उसके बाद जो ये स्टेप लगने थे ब्रिक मैसनरी के ऊपर, 15 स्टेप लगने हैं हमारे, एक खड़े रुख लगनी है और एक चौड़ाई रुख लगनी है। उसके बाद किचन बेस फ्लोर आ गया। ये क्या है कि ये अगर मैं आपको किचन का प्लान बताऊं, ये वाला, तो ये हम अपनी किचन की बेस में ये वाली फर्श लेवल से एक रदा ऊपर लगाते हैं, तो ये इसकी लंबाई है 14 फुट 5 इंच, हमने इसको लगाया है तकरीबन 1 फुट 9 इंच स्लैब को, तो वो हो गया और 3 इंच थिकनेस हो गई। उसके बाद आ गया कैबिनेट बेस फ्लोर। अब ये कैबिनेट क्या है, ये हमने इसको कैबिनेट को बनाया है, कैबिनेट हमारी कहाँ गई, माजरत थोड़ी सी, मैं कटिंग कर दूंगा इसको, जी ये हमने अपनी कैबिनेट बनानी है इस तरफ टीवी हॉल में, तो ये उसके लिए कि नीचे वाला फ्लोर जो बनाया 10 फुट चौड़ाई होगी, 3 इंच ऊंचाई होगी, 2 फुट इसकी होगी चौड़ाई। इसके बाद कैबिनेट वाल्स हैं, ये जो हम वाल्स बनाएंगे अपने 9 इंच की दीवारों के अंदर वाली साइड पे, और ये वाली, ये उसकी कैलकुलेशंस। कैबिनेट वाल्स हमारी 1, 2, 3 और ये 4 होंगी। उसके बाद आ गया बाउंड्री वाल ऑन रूफ, ये वाली जो वाल है हमारी, हम छत के ऊपर जो एक बाउंड्री वाल करेंगे, ये वो है, 4.5 इंच होगी और 3 फुट ऊंचाई होगी। उसके बाद ये हम 28 ये वाले जो पैनल होते हैं, ताकि हमारी ऊपर वाली बाउंड्री वाल को मजबूती मिले, तो ये 28 पीस लगाएंगे।
5 फुट के फासले पर जिस तरह मुनासिब लगे आपको। उसके बाद स्टेयर रूम ऑन रूफ, ये हम अपनी छत के ऊपर एक कमरा बनाएंगे जिसको हम ममटी भी कहते हैं। ये इसकी ओवरऑल अप्रोक्सीमेट लंबाई ली है 4.5 इंच होगी और 10 फुट उसकी ऊंचाई होगी। अब ये अगर हमारा 2829 CFT आया है जो उसमें 13 फुट निकाल भी दें तो ये 2815 या जितना भी आता है ये आपकी मुकम्मल ब्रिक मैसनरी आ गई पूरे घर में जो इस्तेमाल होनी है। अब मैंने कहा है कि टोटल नंबर जो हैं 1230 स्क्वायर फुट पर 100 CFT हैं, तो उसको तकसीम करने से पर 100 करने के बाद हमारे 2800 स्क्वायर फुट आ गए। मल्टीप्लाई बाय 1230 करें तो हमारे पास 34,800 ईंटें आती हैं। कुछ भाइयों का इख्तलाफ भी होगा कि ये हमारी 1350 लगती हैं, लेकिन मैंने दूसरी वीडियो में जो इसको मैं साथ अटैच भी कर दूंगा उसमें मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो अगर आधा इंच मसाला हो तो हमारी जो ईंटें हैं वो हमारी 1230 ही लगती हैं। ये हमारी ब्रिक मैसनरी थी, 34,802 ब्रिक मैसनरी आ गई। 11 रुपये रेट फी ईंट का रखा है तो ये 3,74,000 की हमारी ईंटें लग गई। उसके बाद ब्रिक यूज़ इन ऑल रूफ कंक्रीट, ये मैंने नीचे जो हमारे लगनी है किचन के ऊपर स्लैब डलनी है, स्टोर रूम और वाशरूम के ऊपर डलनी है, ऊपर जो हमारा लेंटर डलने के बाद लगनी है उसका मैंने टोटल एरिया किया है। और एक स्क्वायर फुट में ये जो हमारा जाल होता है इसमें हम अपनी 2 ईंटें रखते हैं, तो उतनी ईंटों को निकाल के 1100 मल्टीप्लाई की ये हमारी 21,672 ईंटें बन गई। यहाँ तक आपको भाई समझ लगी है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ मेन कैलकुलेशन इसकी। अब ये आ गया है हमारा सीमेंट फॉर ब्रिक मैसनरी 20%, सीमेंट फॉर ब्रिक मैसनरी 20%। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि वो हम ब्रिक मैसनरी में 100 CFT में 30 CFT इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने उस वीडियो में कैलकुलेशन किया उसमें तो मुझे 14 से लेकर 24%, अगर आधा इंच हम मोटर इस्तेमाल करें ब्रिक मैसनरी में तो 14% इस्तेमाल होता है, और अगर 1 इंच इस्तेमाल करें तो 24%। तो इसको मैंने अप्रोक्सीमेट 20% रखा है कि इसको मैंने बिल्कुल एक्चुअल करने की कोशिश की है, जायद इसमें कुछ भी नहीं रखा। तो अब ये क्या है सीमेंट फॉर ब्रिक मैसनरी 20%, ये मैंने ब्रिक मैसनरी की कैलकुलेशन की है। हमने जो अपनी ब्रिक मैसनरी कैलकुलेशन की है अभी आपको बताई मैंने, 2829 CFT जो हमारे निकाले वो हमने हमारी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी आ गई 2829.445 CFT। इसकी रेशियो हमने रखी है 1:4 और इसका ड्राई फैक्टर रखा है 1.26। ये ड्राई फैक्टर क्या होता है कि जब हम अपना खुश्क मसाला शामिल करते हैं परचेज़ करते हैं तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो जो उसमें गैप होता है वो आपस में मिल जाता है। तो हम जो अपना मसाला इस्तेमाल करते हैं या जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम वेट क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कह लें कि हमने अपनी मसाला ईंटों में इस्तेमाल किया तो वो आधा इंच इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर हम उसको बग़ैर पानी के इस्तेमाल करें तो वो आधे इंच से कुछ ज़्यादा 1.25 इंच होगा, इस वजह से हम इसको ड्राई करते हैं। परसेंटेज ऑफ मोटर इन ब्रिक मैसनरी, मैंने अपनी टोटल CFT ब्रिक मैसनरी को 20% के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वेट वॉल्यूम जो आ गया है 2829.445 टोटल ईंटें, टोटल ईंटों में जो हमारा मसाला इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है हमारा 565.889 CFT। अब इस वेट मसाले को हमने वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर को ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर में शामिल किया तो 565 मल्टीप्लाई पर 1.26 ये हमारा 713.020 CFT आ गया। अब फार्मूला क्या है कि रेशियो ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। अब हमारी आइटम है अभी इधर मोटर जो ब्रिक मैसनरी में इस्तेमाल हुआ है वही मैंने इधर बताया है कि सीमेंट फॉर ब्रिक मैसनरी ये हमारा है आइटम। सम ऑफ रेशियो क्या होता है कि 1:4 को 1
जमा चार इज इक्वल टू आ गया 5। अब हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं, हमारा रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 142,604 CFT हमारा सीमेंट आ जाता है। एक सीमेंट का बैग होता है 1.25 CFT, यानी कि एक सीमेंट के बैग में 1.25 जो क्यूबिक फुट सीमेंट होता है एक बैग में। तो नंबर्स ऑफ बैग आ गए टोटल CFT डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये हमारे 114 बैग आ गए, ये जो इधर लिख दिए। उसके बाद आ गया सीमेंट फॉर मोटर। अब ये हमारी आइटम होगी। उसके बाद सैंड फॉर ब्रिक मैसनरी आ गई। अब सैंड फॉर ब्रिक मैसनरी के लिए भी वही फार्मूला है, रेशियो ऑफ आइटम। आइटम हमारी ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी में सैंड है, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी में जो हमारा मसाला इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 570 CFT, जिसको हम से कह सकते हैं कि 570 CFT हमारा ब्रिक मैसनरी में सैंड इस्तेमाल हुई है। अब उसके बाद आ गया हमारा मोटर रेशो। मोटर रेशो क्या, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इसका सीमेंट का किस तरह कैलकुलेशन की है, सीमेंट प्लस्तर की। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो अंडर फाउंडेशन है उसको प्लस्तर नहीं किया, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। नहीं सॉरी, ये तो कंक्रीट वाला है, मोटर वाला इससे आगे है, ये वाला है। अब मैंने जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, मैंने अपने फर्श को, मैंने सिंपल फर्श रखा है जिसको हम नीरू फर्श कहते हैं या प्लस्तर का फर्श कहते हैं, वो 1 इंच रखा है। उसके में गराज की लंबाई और ऊंचाई रखी है और उसकी गहराई रखी है 1 इंच। तो इसका CFT बना लिया है, मतलब लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब 1 इंच गहराई, तो ये इसकी वॉल्यूम आ गया। उसके बाद वाल्स आ गए। अब गराज की वाल जो है, दो वाल्स इस तरह हैं, एक वाल दो वाल इस तरह हैं, वो शामिल किए। ये मैंने अपना सर्कमफ्रेंस लिया है गैराज का पूरा, और इसकी गहराई चूँकि 12.6 फुट है, क्योंकि इसका लेवल जो है इनके लेवल से डाउन है, तो वो इसको 12.667 फुट कर दिया और इसकी जो थिकनेस है प्लस्तर की 1/2 इंच कर दी है। इसी तरह ड्राइंग रूम, टीवी हॉल, और ड्राइंग रूम का अलग, किचन का अलग, बेडरूम्स का अलग, वॉशरूम का अलग, ओपन एरिया का अलग, और स्टोर रूम का अलग कैलकुलेट करने के बाद, ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 1/2 इंच प्लस्तर के साथ किया। वॉशरूम को चूँकि मैंने, अगर मैं आपको वॉशरूम दिखाऊं, तो वॉशरूम का मैंने स्ट्रक्चर रखा है ये 11 फुट 5.5 इंच। इसका लेंटर ज़रा नीचे डाउन रखा है, इस वजह से जो इसका प्लस्तर है वो मैंने डाउन रखा है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद है। उसके बाद रूफिंग आ गई। इसमें एक चीज़ मेरी रह गई है कि मैंने इसमें दरवाज़े डिडक्ट नहीं किए, वो दरवाज़े जो है वो इसमें शामिल है, जबकि वो डिडक्ट होने थे, डिडक्शन ऑफ डोर्स और विंडोज़ होनी थी, लेकिन वो चूँकि इधर नहीं की, तो मतलब वो इस रेट में शामिल हो रही है, लेकिन आप डिडक्ट कीजिएगा जब आपने अपना करना हो। उसके बाद रूफिंग आ गई कि गराज के ऊपर उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से 1/2 इंच का प्लस्तर किया, ये रूफिंग आ गई। उसके बाद मिसलिनियस आइटम में आ गया स्टेयर रूम को, जो छत पे हम बना रहे थे उसकी ओवरऑल लेंथ लेके आउटर साइड से 10 फुट ऊंचाई करके तो 1/2 इंच का प्लस्तर किया, और अंदर और बाहर दोनों वाली साइड पे किया। इसी तरह एक साइड पे चूँकि हमारा घर बना हुआ है, दूसरी साइड ओपन है, तो ओपन साइड पे भी मैंने बैक साइड को और फ्रंट को और एक साइड को टोटल लेंथ लेने के बाद ये वाली अंदर वाली साइड है, ये बाउंड्री वाल जो ऊपर छत पे बना रहे हैं ये वो वाली है, और ये वाली जो है ये हमारी बाहर वाली साइड, मतलब ये अगर हम कहें ये हमारा लेंटर आ गया,
ये बार वाली साइड हमारी 15 फुट है, 12 फुट हमारा ये वाली डीपीसी से, उसके बाद ये वाली हमारी आ गई 3 फुट। और ये इनसाइड जो है ये हमें 3 फुट नहीं, 3 फुट और 3 फुट 4 या 5 इंच इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अभी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। ये 15 फुट के बजाय थोड़ी सी 15.3 to 5 आना था, लेकिन चलें फिर भी ठीक है। अंदर वाली साइड हमने 3 फुट ऊंचाई में प्लस्तर की। ये जब प्लस्तर आ गया हमारे पास टोटल, तो अब इसका हम अपना मालूम करेंगे कि हमारी सैंड और सीमेंट कितना इस्तेमाल हुआ। ये हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर आ गया 442.263, इसका भी ड्राई फैक्टर वही है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर आ गया हमारा दिस मल्टीप्लाई बाय 1.26, तो 557.251, 557.251। फार्मूला वही, रेशियो ऑफ आइटम सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, सम ऑफ रेशन वही, सम ऑफ रेशियो वही है कि हमारी 1:4 निस्बत का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो ये हमारा उसी पहले फार्मूले के हिसाब से हमारे 89 बैग्स आए। अब ये मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता कि जो आसानी हो सकती है, ये हमारे 89 बैग्स आ गए। उसी फार्मूले के मुताबिक हमने वॉल्यूम 4/5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, तो ये हमारे 446 CFT सेंड आ गई। अब हमने अपना निकालना है, हमारा अब रह गया है RCC और PCC के लिए सैंड, RCC PCC के लिए सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट्स। इसकी कैलकुलेशन मैंने ये की है जी, ये है एस्टिमेशन फॉर कंक्रीट। इसके लिए मैंने किया अंडर DPC बीम। ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ये बीम डालेंगे और इसमें RCC की जो कंक्रीट डालेंगे, ये वाला बीम जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला बीम जो हम डालेंगे, ये वो वाला है। ये इसकी दो दीवारें हैं 40 फुट की, 3 इंच चौड़ाई ये गहराई। इसी तरह जो हमारी हॉरिजॉन्टल 9 इंच की वॉल्स थी 5, उसके बाद वॉशरूम की 2 वॉल्स, उसके बाद जो बेडरूम की 1 सिंगल वॉल, उसके बाद किचन की 1 वाल, और उसके बाद ड्राइंग रूम की 1 परपेंडिकुलर वाल। ये अंडर DPC बीम आ गया। उसके बाद आ गया हमारा DPC लेवल। DPC में वही के 40 फुट की 2 वॉल्स, 9 इंच चौड़ाई और 2 इंच इसकी ऊंचाई, 5 हमारी परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह हमारी 2 वॉल्स आ गई, 5 वॉल्स आ गई। उसके बाद वॉशरूम की 2 वॉल्स आ गई, उसके बाद बेडरूम की 1 आ गई। इसकी चूँकि द्वार की चौड़ाई 4.5 इंच है, तो इसको 4.5 ही लगाया। स्टोर और वॉशरूम की भी 4.5 इंच है, उसके बाद किचन और टीवी हॉल की भी 4.5 इंच है, उसके बाद ड्राइंग रूम और गराज की भी 4.5 इंच है। ये लंबाइयाँ सेम वही रहेंगी हमारी। अब इसमें हमने किया है डिडक्ट ड्राइंग रूम ओपनिंग, जो हमारी ये ड्राइंग रूम में ओपनिंग आ रही है 1 मिनट, ये मतलब ये नक्शा आपके सामने होना चाहिए। ड्राइंग रूम ओपनिंग की है, उसके बाद हमारे एक दरवाज़ा 3 फुट 9 इंच का, एक जो हमारी ओपनिंग है स्टोर की वो है, हमारे दरवाज़े 5 हैं 3.5 फुट 3 इंच वाले, और एक हमारा दरवाज़ा है 2 फुट 6 इंच वाला, ये इसकी होगी। उसके बाद आ गया हमारी PCC अंडर फ्लोर। ये अगर हम मैं आपको इसका बताऊं कि ये हमारी फिनिशिंग होनी है, इस फिनिशिंग में हमने 1 इंच का, ये 1 इंच का हमने मैंने आपको बताया कि हम अपना मोटर वाला फर्श डालेंगे ताकि हमारे पैसे बच सकें, कम से कम मैं आपको ख़र्चा बता सकूं। उसके बाद 3 इंच का जो फ्लोर डाला है PCC का, ये वही उसकी गराज की लंबाई और चौड़ाई उतनी होगी, 3 इंच उसकी ऊंचाई होगी। इसी तरह ये सारे रूम्स की कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आ गया मिसलिनियस आइटम्स। मिसलिनियस आइटम में स्टेयर बेस आ गया, ये हमारी 3 फुट बाय 3 फुट की हमने अपनी बेस डाली। ये मैंने जो आपको बताया था, इसका अगर मैं सेक्शन आपको दिखाऊं,
ये वाली जो आरसीसी बेस डाली थी, ये गराज की। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी कम हो सके। ये वाली बेस डाली, उसके बाद हमारी स्टेयर बेस सील आ गई। ये मैंने इसका साइड सेक्शनल एरिया लिया। आप इसकी लंबाई लेके 3 फुट जो सीढ़ी की चौड़ाई है, और 3 इंच थिकनेस लेके भी कर सकते हैं। मैंने इसका साइड एरिया लेने के बाद 3 फुट 6 इंच से आधी जो 6 इंच है वो उसमें कर दी है द्वार के अंदर, और 3 फुट की हमारी विंडो। तो ये उसकी क्या आ गई क्यूबिक मीटर में। उसके बाद आ गया अंडर फाउंडेशंस। इसको मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको कट कर दिया है। वो क्या है कि अगर तो हमने अपनी फाउंडेशन के अंदर स्लैब इस्तेमाल करनी है, बीम इस्तेमाल करना है, तो वो शामिल करें, अगर नहीं करना तो ना शामिल करें। चूँकि इस प्लान में हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसके लिए मैंने ये ऐड करने के बाद भी इसको क्वांटिटी में शामिल नहीं किया। अब आ गया अंडर डीपीसी बीम। ये अंडर डीपीसी बीम हमने कर लिया है पहले, मेरे ख्याल में ये अंडर डीपीसी बीम हमने कर लिया है। ये 0.94, ये हमारी थोड़ी सी और कैलकुलेशन हुई है। इसको कट कर देते हैं, मतलब ये 519 से कम हो के हमारा 500 रह जाएगा, जितना भी है, मतलब आपको समझ आ जाए। मैंने दोबारा, अभी मेरे पास और प्रिंट करने के लिए ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए मैं इसी पे आपको वर्किंग करके बता रहा हूँ। उसके बाद आ गया किचन कैंटीलेवर स्लैब। ये स्लैब जो मैंने आपको बताई थी कि किचन में 14 फुट इस तरह करके हमारी 14 फुट लंबाई में, 1 फुट 9 इंच चौड़ाई में, और 3 इंच इसकी आ गई। अब किचन रूफ आ गई ये वाली, जो लेंटर से नीचे अलग से डालेंगे हम। उसके बाद आ गया हमारा कैबिनेट स्लैब। अब कैबिनेट स्लैब क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। ये वाली हम अपनी 2 स्लैबें डालेंगे कैबिनेट बनाने के लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर दी। उसका स्टोर रूम की रूफ़ और वॉशरूम की रूफ़ वही मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम इसमें ये स्टोर रूम की रूफ़ होगी, ये वाली वॉशरूम की होगी। अगर हम ऊपर से टॉप प्लान से देखें तो ये मैंने शो की हुई है, ये वाली और ये वाली। मतलब जितना आपका स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, आपने एक एक चीज़ शामिल करनी। उसके बाद रूफ़ स्लैब आ गई। रूफ़ स्लैब मैंने किस तरह की है कैलकुलेट, ये मेरी रूफ़ स्लैब है। अगर मैं इस तरह आपको दिखाऊं तो ये हमारी आउटर बाउंड्री वाल से शेड बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, और ये जिस तरह हम लगा रहे हैं। रूफ़ स्लैब डालने के बाद बैक साइड की ओपनिंग डिडक्ट कर दी हमने, स्टेयर की ओपनिंग डिडक्ट कर दी हमने, और जो ईंटें हमारी इसके अंदर इस्तेमाल होनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सरिये का जाल जब बिछेगा तो उसमें 2 ईंटें इस्तेमाल करेंगे, चूँकि उधर हमारा आरसीसी कंक्रीट नहीं आनी, तो वो भी हमने निकाल दिया। अब ये 519/142 CFT जो आया है, उस हिसाब से मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। ये 1, 2, 4 नस्बत है, जिसको हम 15 भी कहते हैं। इसका भी ड्राई फैक्टर 1.54 है। सीमेंट मोटर का मसाले का 1.26 होता है, और कंक्रीट का 1.54 होता है। वही वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गया 519, उसको ड्राई किया 1.54 से मल्टीप्लाई करके 799 आ गया। फार्मूला वही, रेशो ऑफ आइटम, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई ड्राई वॉल्यूम। सम ऑफ रेशियो कर लिया 1:2:4, तो 7 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है, 1/7 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। जो वॉल्यूम CFT में निकला उसको 1:25 से तकसीम करेंगे तो हमारे 91 बैग्स आएंगे, लेकिन मेरे इधर 93 आए हैं, क्योंकि मैंने इसको जो प्रिंट किया है ये वाला, इसमें 1.57 कर दिए थी रेशियो, जबकि एक्चुअल है 1.54। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सैंड आएगा 2/7 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, तो ये हमारी 228 CFT आएगी, जब मैंने 231, बहुत माइनर फ़र्क है। उसके बाद एग्रीगेट्स आ गए, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 799,
तो ये हमारे 456 CFT आते, इधर 463 CFT आ गए। अब ये जो स्टील है ये मैं आपको सबसे एंड में बताता हूँ, ये वाली ज़रा डिटेल कैलकुलेशन है, इसको अभी होल्ड कर देते हैं, ये एंड में बताता हूँ। इसकी मैंने प्रॉपर ये कैलकुलेशंस की है, ये आप देखिए, ये इस तरह, ये भी मैं आपको ये तफसील से सबसे तफसील में ये समझाऊंगा, बाकी तो आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही करते हैं। उसके बाद बिचमन कोटिंग और डीपीसी और एंड आउटर वाल, यानी कि आउटर वाल मैंने आपको बताया है कि ये वाली आउटर वाल है, हम इस पर सारी की सारी कम अज़ कम यहाँ से 12 फुट तो हम लाजमी अपनी बिचमन कोटिंग करेंगे, ताकि जो हमारी नमी आने का सबब है वो ख़त्म हो सके। मैंने डीपीसी के ऊपर, डीपीसी की लंबाई, डीपीसी की ऊंचाई, ये बिचमन कोटिंग आ गया, डीपीसी की लंबाई 9 इंच की दीवार और उसकी एसएफटी में कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद आ गया हमारी बाउंड्री वाल, ये इसकी आउटर तीनों साइड, दो साइडें मिला लें, बैक साइड और 40 फुट वाली दूसरी साइड, तो इसकी 15 फुट की है, जबकि ये 12 फुट होनी चाहिए। ऊपर जो हमारी वाल है उस पर ना भी करें तो गुजारा हो जाता है, तो ये हमारी 1707 आ गई। 5 रुपये स्क्वेयर फुट अप्रोक्सीमेट करें तो ये 8-10 हज़ार की हमारी बिचमन कोटिंग होगी। उसके बाद पोलीथीन शीट डीपीसी के ऊपर डाली, जितनी हमने डीपीसी डाली है, जितनी बिचमन कोटिंग किया, उतनी ही पैमाइश में 10 रुपये के हिसाब से 1600-2000 की हमने अपनी शीट डाल दी। उसके बाद आ गया हमारा पोर्सलिन टाइल वर्क, जो हमने सिर्फ वाशरूम में और किचन में किया। इसके लिए 1 मिनट टाइल्स का, मेरे ख्याल में टाइल का जो पेपर है ना वो नहीं, ये है माजरत, ये है। अब ये मैंने किया है कि किचन फ्लोर्स जो है, सबसे पहले फ्लोर कर लिया। फ्लोर ये हमारा क्या था कि 4 फुट 6 इंच, मतलब इस पोर्शन में हमारी टाइल लगनी है, क्योंकि इसमें हमने अपने उसको उठा दिया, उधर हमारे कैबिनेट बन जाने, जब भी हमने फ्यूचर में बनाए उस वजह से इस पर टाइल नहीं लगाई। ये फ्लोर हो गया, लंबाई इसकी होगी 8 फुट 3 इंच। उसके बाद वाल आ गई, इस पोर्शन में हमने अपनी 2 फुट ऊंचाई में टाइल लगाई। अगर मैं इसका आपको सेक्शनल व्यू दिखाऊं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप कर सकें, मतलब ये हमने अपने इसके ऊपर से 2 फुट टाइल लगाई, और जो बाकी दो साइड की वाल्स हैं, ये वाली वाल और ये वाली वाल, इसकी लंबाई ये इस साइड पे 4 फुट 5 इंच, 4.5 फुट, ये हमारी नीचे से जब आए ऊपर तक तो हमारा 4 फुट 9 इंच बनता है। इसी तरह जो दूसरी साइड वाली वाल है, ये वाली लंबाई साइड वाली वाल है, इसका अलग से कर लिया और डायरेक्ट डोर कर लिया, डोर में चूँकि टाइल नहीं लगनी तो वो माइनस कर लिया। उसके बाद वाशरूम फ्लोर्स, उसी तरह फ़र्श की चौड़ाई और मतलब ये हमारा फ़र्श है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का लिए स्क्वेयर फुट आ गया। उसके बाद वॉल्स आ गई, इसकी तीनों की लंबाई लेके 6 फुट ऊंचाई में हमने लगा दिया, और उसके बाद डायरेक्ट डोर कर दिए। हमारा 2 फुट 5 इंच का दरवाज़ा है, उसमें हमने 6 फुट ऊंचाई तक करके ये 277 आ गया स्क्वेयर फुट। 277 स्क्वेयर फुट को हमने 130 तकरीबन रेट जो चल रहा है आजकल, तो हमारी 36,000-40,000 के करीब, माजरत कुछ चीज़ें अगर कट जाएँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ। तो पोर्सलिन टाइल वर्क आ गया हमारा, तकरीबन 36,000-40,000 की टाइल लग गई। अब दो मिस्त्री और दो जो मज़दूर लगाए हैं, उन्होंने 1 महीने में काम मुकम्मल किया है। 1500 मिस्त्री लेता है और 1000 जो मज़दूर लेता है, तो दो मिस्त्री दो मज़दूरों की 5000 जो लेबर गई, 30 दिन के लिए 1.5 लाख रुपया ये गया हमारा। उसके बाद लेबर एंड शटरिंग फॉर रूफिंग, जो हम छत बनाएंगे उसकी जो है अप्रोक्सीमेट वो 40,000 रुपया, 30,000-35,000-40,000 जिस हिसाब से वो रेट तय करें लमसम आता है। उसके बाद डिस्टेंपर एंड पेंट वर्क मैंने 30,000 का डाला है। उसके बाद इलेक्ट्रिक वर्क डाला है जिसमें मीटर शामिल नहीं है, मीटर की कॉस्ट 15-20 हज़ार जितनी होगी वो आप शामिल कीजिएगा, बल्कि वो ठेकेदार तो शामिल करता है, वो तो मालकान का होता है। उसके बाद वाटर पंप एंड
वाटर सप्लाई ये 80,000 50,000 का हमारा तकरीबन पंप लगता है, 30,000 उसकी वाटर सप्लाई की अरेंजमेंट का लगा लें। उसके बाद ड्रेनेज वर्क 30,000 का लगाया जिसमें टैप टूटी और सारा कुछ शामिल है। उसके बाद स्टील डोर्स एंड विंडोज़ ये तकरीबन हमारा 30-40 हज़ार का मेन डोर बनेगा, और बाकी जो हमारी विंडोज़ 30-40 हज़ार की विंडोज़ और दरवाजे बनते हैं, तो 1 लाख तकरीबन ये स्टील मेन डोर्स का शामिल किया। उसके बाद वुडन डोर्स 40,000 के शामिल किए हैं, ये भी तकरीबन 30 से 40 हज़ार के दरमियान लग जाते हैं क्योंकि इसका रेट मुख्तलफ है, प्लाईवुड का अलग है, सॉलिड कोर का अलग है। उसके बाद जो हमने छत पे ममटी बनाई थी उसके लिए हमने प्री कास्ट RCC गर्डर्स स्लैब लिया, वो उसकी 20,000 रखी है। तो ये सारे रेट को हम जमा करें ऊपर से लेके नीचे तक तो हमारा 1,37,763 रुपया बनता है। हमारा जो एरिया 4 मरले का बनता है, 4 मरले ज़रबे 225 करें तो हमारा 900 स्क्वेयर फुट बनता है, तो टोटल अमाउंट को तकसीम करें तो 1,086 रुपये बनते हैं। तो ये आपको समझ लगी होगी कि हमारा जो एक ठेकेदार कहता है कि मैं 1,500-2,000 रुपया फी स्क्वेयर फुट लूँगा, तो वो क्या होता है कि वो छत का जो कवर एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर एरिए को वो कहता है कि मैं इसके इतने पैसे लूँगा, उसमें ये ओपनिंग शामिल होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, हम इसमें ये ओपनिंग शामिल नहीं कर रहे ये वाली, जबकि इसमें हमने अपनी सीढ़ी भी बनाई है, किचन की स्लैब भी डाली है, तो इधर एक छोटी वाल भी बनाई, प्लस्तर भी होगा, इधर भी हमने फर्श और फिलिंग की है, ठीक है, जबकि शेड के नीचे हमने कुछ भी नहीं किया। बाज़ दफ़ा हो सकता है कि हम अपनी ओपनिंग ना छोड़े लेकिन शेड के लिए वो स्क्वेयर फुट एरिया मांगे हमसे, जबकि उसके लिए सिर्फ खर्च आया है हमारा सिर्फ शेड का, उसके नीचे कोई भी किसी भी किस्म की जो हमने ख़र्चा नहीं किया। तो ये आप पहले से तय कर लें कि शेड शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, पर स्क्वेयर फुट एरिया इस तरह आता है कि छत में जो कवर एरिया हम छत को कवर करते हैं उसके एरिए को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टैंडर्ड रेट से, तो हमारा अमाउंट बन जाती है। मैंने इस प्लान के हिसाब से जो कैलकुलेशन की है वो तकरीबन 13 लाख बनती है और 1,486 रुपये पर स्क्वेयर फुट बनता है। ये आपको समझ लगी होगी, जो इसकी मैंने आपको कहा कि स्टील की मैं कैलकुलेशन अलग से करूँगा, उसकी मैं वीडियो इसी के साथ अटैच कर दूँगा क्योंकि वो बड़ी तफसील के साथ है, उसमें आपको बांड बैंडिंग शेड्यूल बनाना भी आएगा, तो उसके लिए साथ बने रहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मेरे लाइक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और जो है मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन के मतलब, एस्टिमेशन के मतलब, रोड क्रॉस सेक्शंस के मतलब, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने ब्रिजेस पे, अंडरपासेस पे और इस तरह तकरीबन हर किस्म का रोड वर्क सारा किया, तो मैं आपके साथ शेयर करके मुझे खुशी होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।